हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट हमारी मैथ्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 204। देखिए, सबसे पहले मैं 204 का प्राइम फैक्टर करूँगी। देखिए, 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अब ये 17 पे जाएगा। अब हमने देखा ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 17 की पावर भी कितनी है, 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इधर ध्यान दीजिए, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, हमारे प्राइम फैक्टर ये हैं 2, 3 और 17। अब इसके एक्सपोनेंट क्या है, 2, 1 और 1, उसका सम करना है हमें, 2 + 1 + 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट का क्या करना है, सम। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एन इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विद डिजिट 0। देखिए, 0 से एंड होने के लिए, जैसे हमने 10 को देखा, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5। अगर 2 और 5 के इक्वल एक्सपोनेंट है तो वो 10 बनाता है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए, यहाँ पे 5 और 2 है ना, तो 5 और 2 बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा कितने होते हैं भाई, 10। नेक्स्ट, एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाई 2 इफ एन इज, देखिए इसलिए आप ऑप्शन दे रखे हैं, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लो मैंने और पॉजिटिव इंटीजर को मान लो 1 ही ले लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 + 1, कितना आ गया, 2, तो 2 2 से डिविजिबल है, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। अब क्या रखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैंने एन को 2 मान लिया मान लो, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 2 कितना आ गया, 6, और 3 ले लो मान लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 3 = 12, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर आ गया, है ना। इवन इंटीजर, एनी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन को टिक करके आना, ओके, ए को कट कर देना। नेक्स्ट, 13 × 4 + 26 इज, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +26 जोड़ रहे हैं, तो ये कैसा नंबर है, देखिए 13 4 जा कितने होते हैं, देखो दोनों में 13 कॉमन है, वैसे भी यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2, 13 + 4 = 6, और आपको बताइए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कंजुकेटिव 0 इन दिस वन, देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3, 5 की पावर 4, तो दोनों की सेम पावर बनाओ, 2 की 3 इसको लिख दो, 5 की 3, 1 5 को अलग कर दो, 3 की पावर 5, तो 5 2 जा कितने हो गए, 10 की पावर 3 गुना में 5 गुना में 3 की पावर 5, तो 10 की पावर 3 है, तो मतलब 3 0 आएगी, तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए अगला है 12/50 विल हैव, देखिए अगर मैं इसको कट करूँ, 2 से कटा ये 6 पे, 2 से कटा 25 पे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, तो ये 2 नंबर के बाद रिपीट होएगा, तो कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक पॉजिटिव, ये वाला हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट, 37800 को हमें ये दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ही ईजी है, प्राइम फैक्टर निकालो 37800। देखिए कैसे करेंगे, 37800, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 00, 2 से करिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 25 पे, अब ये 5 पे जा रहा है, 5 9 जा 45, कितने बचे भाई, 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से कहिए, 5 1 जा 5, 4 बचे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 9 8 17 1 18, 3 से जा रही है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से 21 पे, फिर 3 से 7 पे, फिर 7 से 1 पे, हमने देखा 1 2 3, 2 की पावर है 3, 5 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 3, और 7 की पावर 1 हो गया। अब देखो हमें ये किसके इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन पे आइए, ये हमें दे रखा है 5 की पावर a, 2 की पावर b, 3 की पावर c, गुना में 7 की पावर d, देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको कंपेयर कीजिए, 5 की पावर 2 और यहाँ पे a, तो a की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से b को कंपेरिजन कीजिए, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, c की वैल्यू होगी 3 और d की वैल्यू होगी 1। अब हमें a + b + c d का जोड़ निकालना है, a कितना है भाई, 2, b है 3, c भी है 3 प्लस 1, 3 2 5, 5 और 3 8 और 1 9 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन 9 आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, 2 पॉजिटिव नंबर है a और b, और इसको इस तरीके से राइट कर रखा है,
देन SCF. देखिए SCF में हमें लोएस्ट पावर देखनी होती है और LCM में हाईएस्ट पावर देखनी होती है. यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो छोटा कौन है? x की पावर 1. ऐसे ही y की पावर 2, y की पावर 3 में छोटा कौन है? y की पावर 2. तो इसका आंसर हो जाएगा xy की पावर 2. तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट LCM देखना है. LCM में मैंने कहा था बड़ी पावर देखो, यहाँ पे 1 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर कौन है? 1 की 3. बी की पावर 2, बी की पावर 1, बड़ी पावर कौन है? बी की पावर 2. तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे. नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर बताना है. जब डिवाइड करो 70 और 125 को तो रिमाइंडर छोड़े वो 5 और 8. देखिए 70 में रिमाइंडर 5 है तो 5 घटा दीजिए, 65. अगले में 125 के अंदर रिमाइंडर है 8, 8 घटा दीजिए, 15 में से 8 गए 7, 117. ये हो गया. अब देखिए हम इसका क्या निकालेंगे? SCF. देखिए 65 5 से कटा 13 पे, 13 कम 13, 1 1 7, 3 3 9, 3 9 27, 3 कम 3, 3 3 9, ये 13 पे कटा. अब देखो 65 के फैक्टर क्या बन गए? 5 गुना में 13, 117 के हो गए 3 का स्क्वायर गुना में 13. और हमें क्या निकालना है भाई इसमें? SCF, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर में हम SCF निकालते हैं. तो दोनों में 13 कॉमन, एक तो 13 ही कॉमन है, तो SCF अपना 13 हो जाएगा. तो हम इसमें 13 पे टिक कर देंगे. नेक्स्ट लीस्ट नंबर बताना है, जो कि डिवाइड हो ऑल नेचुरल नंबर 1 to 10. देखो 1 to 10 सभी को डिवाइड कर दे, वो नंबर आएगा 2520. आप ना क्या कीजिए, जैसे आपके पास ऑप्शन है सभी को डिवाइड कर करके देख लीजिए, 1 को, 2 को, 3 को, तो भी आपको पता चल जाएगा. और LCM भी निकाल सकते हो आप इसमें, ठीक है. आगे LCM ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. देखिए दो डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो भाई कितना होता है? जैसे 10 होता है. क्या होता है? 10. और हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है. 10 और 4 दोनों किसकी टेबल पे जाते हैं? 20 की. तो इसका LCM कितना हो गया? 20. लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 ऑन डिवाइडिंग बाई 3 and 5. देखिए भाई 3 और 5 का LCM कितना होता है? 15. 15 में 2 ऐड किए 17 आंसर हो जाएगा अपना. आगे सम ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस करोगे तो वो इरेशनल नहीं होगा. नेक्स्ट एक्स और वाई दो पॉजिटिव इरेशनल नंबर हैं. देखिए भाई यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स माइनस वाई, ये कैसा नंबर है? एक रेशनल. तो ए ऑप्शन पर टिक करेंगे हम. प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, एक रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, ए ऑप्शन को टिक करेंगे. डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी हो सकता है इरेशनल भी, तो आइदर इरेशनल और इरेशनल, तो सी पे टिक करेंगे हम. ओके नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरी बुक के करेंगे. थैंक यू वेरी मच.